हेलो दोस्तों, बाइक मैकेनिक राइडर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हाली नाम का एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने कमेंट में पूछा है, सर जी बाइक चलाते समय गियर चेंज करते हैं या डाउन अप शिफ्ट करते हैं, यानी गियर को शिफ्ट करते उस समय पैर कैसे रखना है, ऐसे उन्होंने पूछा है, ताकि पैर में गलती ना हो के एक्सीडेंट ना हो, यानी आसानी से स्मूथली बाइक चला सके। यानी शॉर्टकट में बोले तो गियर चेंज करते समय, अप डाउन करते समय पैर कैसे रखना है, ये उन्होंने पूछा। तो दोस्तों, कहने की बात है, बाइक चलाते समय गियर का इम्पोर्टेंट फैक्टर है, गियर ये, क्योंकि इसकी अहम भूमिका होती है। अगर हम लोगों को स्पीड में जाना है तो गियर को अप करना पड़ेगा, अगर स्लो जाना है तो गियर को डाउन करना पड़ेगा। अभी कोई कोई जो एक्टिवा वगैरह होता है उनको गियर नहीं होता है, लेकिन गियर और गियर नहीं होने का फायदा नुकसान क्या है उसके बारे में हम लोग बात कर देते हैं। गियर का क्या मतलब होता है, जो पर्टिकुलर गियर में होगा, समझो सेकंड गियर में, तो सेकंड गियर में अगर बाइक होगी तो जितना स्पीड है सेकंड गियर में उतनी बाइक चलेगी, ज्यादा स्पीड नहीं चलेगी, है ना, ये मतलब आवाज से हम लोग को पहचान सकते अप करना है डाउन। समझो तीसरे गियर में बाइक है, तो तीसरे गियर में जो स्पीड में है वही स्पीड में बाइक चलेगी, यानी लिमिट के बाहर स्पीड नहीं जाएगा, लिमिट के बाहर जाने के लिए हम लोग को चौथा गियर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये फायदा होता है गियर वाले बाइक के लिए, यानी हम लोग को जितना, समझो हम लोग सोचे जो नए नए लोग हैं उनको अगर 20 के स्पीड में जाना है 20 के, तो उनको क्या करना पड़ेगा, सेकंड गियर में जाना पड़ेगा या थर्ड गियर में जाना पड़ेगा 25 के हिसाब से, ज्यादा नहीं जा सकते, है ना, उनको गियर कैसे ज्यादा भगा नहीं सकता, अगर ज्यादा भगाने की कोशिश करेगा तो आवाज करेगा, है ना, ये मतलब है ना, गियर का ये फायदा होता है पर्टिकुलर। और गियर का दूसरा फायदा क्या होता है, अगर हम लोग स्लोप के ऊपर रहेगा बाइक को रुकाना है, क्या करेगा गियर में रहेगा तो बाइक आगे पीछे नहीं होगी, ये मतलब होता है। लेकिन जो दूसरा जो एक्टिवा वगैरह होता है इनमें गियर नहीं होता है, जो भी स्कूटी बिटी जो भी चीज या कोई भी चीज जिनको गियर नहीं, तो डेंजरस वाली बात होती है, जैसे स्लोप के ऊपर डेंजर की बात है, इनको हम लोग को ब्रेक प्रेस करके यानी ब्रेक का इस्तेमाल करके हम लोग वो कर सकते हैं, नहीं तो ऐसा नहीं करें। लेकिन बाइक का बात अलग है, अगर स्लोप होगा एक ही जगह पर रुकना है तो घेर में डाल के हम लोग रुक सकते, बाइक नीचे या ऊपर नहीं जा सकती, ये मतलब है। अभी हम लोग उसके कमेंट की तरफ आ जाते हैं, उन्होंने कमेंट में पूछा है, सर जी बाइक का गियर अप डाउन करते समय पैर कैसे रखना है, मेन बात है पैर कैसे रखना है, उन्होंने पूछा है। तो मैं थोड़ा प्रैक्टिकली बताने की आप लोगों को कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मैंने मिडल स्टैंड के ऊपर बाइक को रख दिया है, मिडल स्टैंड के ऊपर बाइक को रख दिया। दोस्तों, कभी भी आपको लोकल में घूमते समय स्लीपर नहीं पहनना है, यानी सैंडल वगैरह पहन सकते हैं, चप्पल पहन सकते हैं, स्लीपर हमें नहीं पहननी है, स्लीपर फिसल है। लेकिन लॉन्ग टूर जाते समय आपको शूज पहनना चाहिए। जैसे मैं आप लोगों को बताने के लिए मैंने सैंडल पहना है, अभी कैसे करना है क्या उसके हिसाब से मैं आप लोगों को बात करना चाहता हूँ। दोस्तों, कभी भी ये जो पेडल होता है इसके ऊपर पैर, ये क्यों दिया, ये पेडल क्यों दिया है, पैर रखने के लिए। इसके बाजू में क्या है, ये गियर है, जब आपको गियर को अप डाउन करना है, शिफ्ट करना है, उसी समय आपको करना है। तो मैं क्या करता हूँ, सबका अलग अलग बात है, मैं कैसे यहाँ पे नहीं रखता हूँ, मैं कहाँ पर रखता हूँ, यहाँ पर रखता हूँ, लेकिन मेरा पैर कैसे ऐसे रहेगा। दोस्तों, जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, ये पैडल है, ये पैर रखने के लिए, अभी कोई कोई ऐसा पैर रखते है, कोई कोई ऐसा रखते है, मैं कैसे रखता हूँ, थोड़ा इतना पैर रखता हूँ, ये जो हिस्सा है यहाँ पे मेरा पैडल आता है, मैं यहाँ पे नहीं रखता हूँ, लेकिन जब मैं बाइक चलाते रहता हूँ, मूवी में रहता हूँ, उस समय मेरा पैर ऐसे होता है, ऐसे पैर होता है, यानी यहाँ पे गैप होता है, यहाँ पे गैप होता है, यहाँ पे जब मुझे शिफ्ट करना है तो उस समय मैं पैर ये बाजू लाता हूँ, ये बाजू, और शिफ्ट करता हूँ। जैसे आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, मैंने क्लच को प्रेस किया, ये सबसे कर रहा, आपने आवाज सुना न्यूट्रल में आ गया, है ना, ये सबसे कर रहा हूँ। अभी समझो मुझे पीछे का भाग करना है, तो थोड़ा मैं पीछे जाके बाद में ये बाजू मैं कर देता हूँ। यानी चलाते समय आपका पैर है वो ऐसे होना चाहिए, जैसे आप देख सकते हैं ये मेरा छुट्टा भाग है, यहाँ पर कुछ भी पैर वगैरह मैंने नहीं रखा है, चल स्पीड में होने गया। लेकिन जब मैं गियर को शिफ्ट वगैरह करता हूँ तो उस समय मेरा पैर ये बाजू आएगा और ये पीछे वाला मैं ऐसा करके ऐसा करूंगा, ये मतलब होता है, यानी इस प्रकार का पोजीशन होता है। यानी आप इस पैर को उठा भी सकते थोड़ा मामूली, लेकिन जब आप बिगिनर होते उस समय उठाने का नहीं, आहिस्ता आहिस्ता पैर का इस्तेमाल करना है, ये सबसे। दोस्तों, आप बिगिनर है तो उस समय पैर को उठाने की कोशिश ना करें,
और गियर को फटाफट शिफ्ट ना करें, आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट करो, क्लच को धीरे धीरे छोड़ो, क्लच को तुरंत ना छोड़े, बाइक बंद हो जाएगी धीरे धीरे। ऐसे प्रैक्टिस करो, जैसे आपको प्रैक्टिस हो गया, मालूमत हो जाएगी, तो आप फिर फ्रीली आप फटाफट काम कर सकते, तुरंत आप गियर को भी शिफ्ट कर दे। गियर शिफ्ट करते समय हमेशा इसको क्लच को दबाना है, अप डाउन कुछ भी करो लेकिन क्लच को दबाना है। अगर क्लच नहीं दबाते तो आपका क्लच प्लेट जल सकता है, टूट सकता है, आवाज भी आ सकता है। ऐसी गलती बहुत जन के पास से हो सकती है, शुरुआत में मेरे पास से भी होती थी, लेकिन चलाते चलाते हमें अनुभव आ जाता है, एक्सपीरियंस मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। तो दोस्तों जो कमेंट किया, ये छोटी बात थी, लेकिन सोचे इनको मोटिवेट करने के लिए, और जिनको पता नहीं उनको बताने के लिए, जिनको पता है उनकी कुछ बात नहीं है, लेकिन जिनको पता नहीं उनको बताने के लिए पैर कैसे रखना है ये मैंने बात बता दिया। जो बिगिनर उन्होंने पैर को उठाने की कोशिश न करे, एक बार प्रैक्टिस होने के बाद थोड़ा सा उठा के शिफ्ट करते फिर भी चलेगा आगे पीछे अपना, क्योंकि पैर का ज्यादा करके बैलेंस में इस्तेमाल नहीं होता, हमारा बॉडी स्ट्रेट रहेगा वही बैलेंस में होगा। तो दोस्तों इस प्रकार की छोटी बात लेकिन बड़े काम की बात आप लोगों के लिए मैं हमेशा लेके आती रहता हूँ। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करें। अभी तो आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया रहे तो प्लीज सब्सक्राइब करें। आपने मेरा वीडियो देखा, जय हिंद।